हेलो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में नीट एग्ज़ाम के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी। नीट एग्ज़ाम क्या होता है, नीट एग्ज़ाम कौन देते हैं, नीट एग्ज़ाम किसको देना होता है, तो नीट एग्ज़ाम के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होती है, कितने अटैम्प्ट हम दे सकते हैं, सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, ये सारे पॉइंट पर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नीट क्या होता है, नीट का फुल फॉर्म क्या है। शॉर्ट में हम इसे नीट कहते हैं, NEET नीट कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी क्यूम एंट्रेंस टेस्ट। ये NTA कंडक्ट करता है। NTA मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करता है नीट एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम वो लोग देते हैं जिन्हें डॉक्टर मतलब कि MBBS, BHMS इन शॉर्ट डॉक्टर बनना होता है। नीट एग्ज़ाम दो तरह से होती है, एक NEET UG होता है और एक NEET PG होता है। NEET UG का मतलब क्या होता है, NEET UG मीन्स अंडर ग्रेजुएट 12th के बाद जो ग्रेजुएशन करते हैं मेडिकल फील्ड में, तो आपको ये एग्ज़ाम देना होता है। मेडिकल फील्ड में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, मतलब MBBS या BHMS का कोर्स कर लिया है, तो आपने बैचलर्स कंप्लीट कर लिए मेडिकल फील्ड में, तो आप NEET PG का एग्ज़ाम देंगे मेडिकल फील्ड में मास्टर्स करने के लिए, जैसे कि MS MD। इसका क्वालिफिकेशन क्या होता है, क्वालिफिकेशन चाहिए होता है 12th पास होने चाहिए आप PCB से। PCB से आपको 12 पास होना ज़रूरी है और 50% मार्क्स आपका PCB में होना चाहिए। PCB का मार्क्स मिला के आपका 50% मार्क्स होना चाहिए तो ही आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका एज लिमिट कितना होता है, 17 से 25 साल फॉर जनरल कैटेगरी के लिए होता है। 25 साल तक आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके ऊपर आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। SC ST OBC के लिए 5 years का रिलैक्सेशन होता है। आप ये एग्ज़ाम 3 बार दे सकते हैं, 3 ही अटैम्प्ट दे सकते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, इसमें माइनस मार्किंग होती है 1/4। वन फोर्थ माइनस मार्किंग इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। 1/4 माइनस से मतलब कि अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो कितने मार्क्स कटेंगे, आपके 1 मार्क्स कटेंगे। सिलेबस क्या होता है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी का होता है। बॉटनी और जूलॉजी किसमें आता है, बायोलॉजी का है। तो फिजिक्स के आपके 45 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, दैट मीन्स टोटल मार्क्स कितने हो गए, 180 मार्क्स का हो गया। केमिस्ट्री में आपको 45 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, टोटल होता है 180 मार्क्स। बॉटनी में भी आपको 45 ही क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, तो 180 मार्क्स का टोटल हो गया बॉटनी। जूलॉजी में भी आपको 45 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, टोटल हो जाता है 180 मार्क्स। बॉटनी और जूलॉजी बायोलॉजी में आते हैं, तो बायोलॉजी के टोटल 90 क्वेश्चन आते हैं 360 मार्क्स के लिए। इसमें 1 मार्क्स माइनस मार्किंग है, इसका एक क्वेश्चन 4 मार्क का और एक मार्क्स रॉन्ग होने पे 1 मार्क्स कट जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, एक क्वेश्चन राइट है और एक क्वेश्चन रॉन्ग है, तो राइट है उसके आपको 4 मार्क्स, एक रॉन्ग हो गया तो कितने मार्क्स माइनस होंगे, 1 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1, कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, 3। 2 अटैम्प्ट करें, कितने मार्क्स मिले आपको, 3 मिले। कितने घंटे का टाइम मिलता है, तो टाइम मिलते हैं आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है इसमें। इसमें लैंग्वेजेस के बारे में बात करें तो इसमें हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, असमी, तेलुगु, सारी लैंग्वेजेस में होते हैं।